नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार के 5 जवानों को मिला वीरता पदक। गलवान घाटी में अपनी जान गंवाने वाले जवानों को आज गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया है। गलवान घाटी में शहीद हुए इन जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, ये 5 जवान चीनी सैनिक से झड़प के कारण शहीद हो गए थे। सभी जवान बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। वीरता पदक पाने वाले जवानों में बिहटा के सुनील, समस्तीपुर के अमन, सहरसा के कुंदन, भोजपुर के चंदन और वैशाली के जय किशोर को यह वीरता पदक मिला है। इसके अलावा बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी संतोष बाबू को, जो हैदराबाद के रहने वाले थे, उनको महावीर चक्र और नायाब सूबेदार नुडूराम सोरेन को, उड़ीसा में रहने वाले थे, उनको वीर चक्र मरणोपरांत दिया जाएगा। जदयू ने की प्रदेश के 41 जिलाध्यक्षों की सूची जारी। जदयू को नया रूप देने की कवायद अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला गया, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया गया और अब जिलाध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। जदयू ने नए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बिहार के नए 41 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार पार्टी नेताओं की तरफ से लगातार संगठन को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा था, जिसके बाद ही पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है। जारी किए गए इस नए सूची में कई नए चेहरे भी शामिल हैं। इसमें लवकुश समीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए अच्छा काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने और नए लोगों को मौका दिए जाने की बात पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ मंथन के बाद उमेश कुशवाहा ने 41 जिलाध्यक्षों का मनोनयन कर दिया है, साथ ही इसकी सूची भी जारी कर दी है। बिहार के इन 5 हस्तियों को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी कि बीते दिन ही गृह मंत्रालय ने कई पुरस्कारों की घोषणा कर दी थी, जिसके तहत बिहार की 5 हस्तियों को पद्मभूषण और पद्मश्री सम्मान से नवाजे जाने की बात कही गई थी, जिसके तहत जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन साहू, आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल, डॉक्टर बेले मनोपा हेगड़े, श्री नरेंद्र सिंह कंपनी, साइंस एंड इंजीनियरिंग मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही मृदुला सिन्हा समेत 4 को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। समूचे देश में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने राष्ट्रगान में भी हिस्सा लिया और सलामी दी। हालांकि इस दौरान अन्य साल की तुलना में कम भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान देशवासियों को बधाई भी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लोगों को संदेश देते हुए राज्य में आपसी भाईचारा, सद्भाव एवं शांति बनाए रखना है। शांति और सद्भाव में भी समृद्धि और प्रगति है। वहीं गांधी मैदान में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान ने झंडा फहराया। बिहार में 28 जनवरी तक ठंड से कोई राहत नहीं। बिहार में फिलहाल ठंड से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार वासियों को फिलहाल 28 जनवरी तक कोहरे का सामना करना पड़ेगा। बीते 2 दिनों की बात करें तो बिहार में ठंड का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों में कनकनी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना छोड़ दे तो बाकी शहरों का न्यूनतम पारा आंशिक रूप से नीचे आ गया है। हवा की गति अधिक नहीं होने के कारण अभी भी सूबे में मध्यम से घने कोहरे की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके कारण मौसम भी शुष्क बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिन में धूप खिलेगी और कोहरे की स्थिति सुबह और शाम में भी बनी रहेगी। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। पिता को राष्ट्रीय सम्मान मिलने से भावुक हुए चिराग। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मरणोपरांत पद्मभूषण से सम्मानित किए जाने की बात कही गई है, जिसको लेकर चिराग पासवान काफी भावुक नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि यह पार्टी के हर सदस्य के लिए अत्यंत ही गर्व की बात है और परिवार के लिए एक भावुक लम्हा है। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि पापा ने पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचित दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए किया। भारत सरकार द्वारा पापा को 51 साल के बेदाग राजनैतिक जीवन के लिए पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पापा के अंतिम सांस तक उनके साथ खड़े थे। पापा के जाने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने पापा को हमेशा सम्मान दिया। पद्मभूषण पुरस्कार के लिए मेरे परिवार और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। विरोधियों के मुंह पर ताला लगाने के लिए जदयू ने पेश किया मुखपत्र। जनता दल यूनाइटेड ने विरोधियों को जवाब देने का मन बना लिया है, जिसके तहत जदयू ने अब अपना
मासिक पत्र जदयू संधान का लोकार्पण कर दिया है। इस नए मासिक मुखपत्र के जरिए पार्टी अब हर महीने विरोधियों के उठाए गए सवालों का मजबूती से जवाब देने वाली है। महाराष्ट्र की शिवसेना के मुखपत्र सामना के तर्ज पर जदयू ने अब अपने मुखपत्र का लोकार्पण बीते दिन कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पटना में जदयू के मुखपत्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने अपना बयान भी जारी करते हुए कहा है कि विचार की धार जितनी मजबूत होगी पार्टी उतनी ही मजबूती के साथ काम करेगी। इस पत्र के माध्यम से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें वर्तमान समय में यह मुख्यपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में निकाला जाएगा। इतना ही नहीं आने वाले दिनों में इसे अन्य भाषा में भी जारी किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय में ओपन स्कूलिंग के तहत शुरू हो सकती है 12वीं की पढ़ाई। लगभग 15 साल के बाद एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार पटना विश्वविद्यालय ने अपने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से इंटर की पढ़ाई शुरू करने की पहल की है, जो कि राज्य सरकार के ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें विश्वविद्यालय की तरफ से बैठक में दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्लस टू स्तरीय कोर्स शुरू करने पर विचार किया गया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने ओपन स्कूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किए गए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्र वेलफेयर डीन प्रोफेसर एन के झा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी कर दिया है। भागचरण दास ने संभाली कांग्रेस की मजबूतीकरण की बागडोर। बिहार कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। इसी क्रम में बिहार कांग्रेस प्रभारी भी इन दिनों बिहार दौरे पर है। इस 13 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित अन्य कई नेताओं ने भी उनका स्वागत किया है। कांग्रेस प्रभारी ने इस दौरान कहा है कि मैं 13 दिन के दौरे पर पटना आ चुका हूं और 15 जिलों का भ्रमण करने वाला हूं। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि मैं सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनता छात्रों से मुलाकात करूंगा और उनसे संवाद भी करूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि जिलों में सही जगह कांग्रेस संगठन में पहचान क्या है, कितने लोगों के बीच में पहुंच है, इसको देखूंगा और इसके बाद बैठक में यह निर्णय लूंगा। हालांकि अपने पिछले दौरे से सबक लेते हुए उन्होंने इस बार पहले ही सभी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दे दी है। आपको बता दें भगचरण दास के पिछले दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया था। इतना ही नहीं हंगामा इतना बढ़ गया था कि कुर्सियां तक चलाई गई थी। राजद के पूर्व विधायक कुंती को मिला आजीवन कारावास। जदयू कार्यकर्ता सुमीरक यादव की जान लेने के आरोप में अत्री की पूर्व विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें ADJ 3 संगम सिंह अदालत ने आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर सजा 1 साल और बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि पूर्व विधायक ने बीमारी का हवाला देते हुए छूट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने किसी तरह की छूट देने से साफ इनकार कर दिया है। इस मामले में पुलिस की तरफ से भी 12 गवाह की गवाही करवाई गई थी। इसमें 10 गवाहों ने इस पूरे मुकदमे में पूर्व विधायक के खिलाफ गवाही दे दी थी। आपको बता दें यह मामला 8 साल पहले का है। आरोप है कि 26 फरवरी 2013 को कुंती देवी के कहने पर उनके लोगों द्वारा लाठी डंडे चलाकर सुमेरक यादव नाम के जदयू कार्यकर्ता की जान ली गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में मरीजों को सबसे सस्ते दर में मिलेगी सिटी स्कैन की सुविधा। राजधानी वासियों के लिए खुशखबरी, अब आपको सिटी स्कैन करवाने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को राज्य भर के अस्पतालों में सबसे कम खर्च में सिटी स्कैन की सुविधा मिलने वाली है। यह सुविधा सिर्फ इलाज कराने वाले मरीजों को ही नहीं मिलेगी बल्कि बाहरी मरीजों को भी मिलने वाली है, और वो भी 24 घंटे तक। जहां PMCH और IGIMS में प्लेन ब्रेन की सिटी स्कैन का खर्च 900 रुपए और प्राइवेट अस्पताल में 2300 रुपए के आसपास आता है, वहां अब इस अस्पताल में मरीजों को प्लेन ब्रेन की सिटी स्कैन के लिए मात्र 576 रुपए ही देने पड़ेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संशय की स्थिति बरकरार। बिहार कैबिनेट का विस्तार अभी भी होना बाकी है। जानकारों की माने तो अभी भी भाजपा और जदयू में सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण ही अब तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। जानकारों की माने तो जदयू केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सेदारी चाहती है और यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार को बिहार में टाल दिया गया है। दोनों दलों के बीच साफ तौर पर अभी खींचतान की स्थिति देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ जदयू ये कह रही है कि भाजपा की तरफ से सूची जारी नहीं की गई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता लगातार विस्तार को लेकर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने सूची नीतीश कुमार के सामने पेश कर दी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ नाम पर एतराज जताया था। इसके चलते यह मंत्रिमंडल विस्तार में देरी बताई जा रही है। इतना ही नहीं जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की भी मांग कर चुकी है। पटना वुमेन्स कॉलेज महिलाओं को दिलाएगा रोजगार के अवसर। पटना वुमेन्स कॉलेज का एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन सेल कॉलेज की छात्राओं तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, जिसके बाद अब राज्य भर की छात्राओं और महिलाओं के बिजनेस आइडिया मार्केटिंग और पैकेजिंग में यह सेल मदद करेगा। इसका इस साल विस्तार कर महिला उद्यमियों के लिए अवसर तलाशा जाएगा। मदर बेरोनिका सेल के अंदर चलने वाले इस प्रोग्राम
के कोऑर्डिनेटर आलोक जॉन ने बताया है कि छात्राएं अपने बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट कर सकती हैं, आवेदन दे सकती हैं। इस साल हम ज्यादा से ज्यादा आवेदन की उम्मीद कर रहे हैं। सीड फंडिंग के लिए कॉलेज पहल कर रहा है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रवीश कुमार की। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे रवीश कुमार की। रवीश कुमार का जन्म आज ही के दिन साल 1971 को बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। रवीश कुमार भारत सरकार में विदेश मंत्रालय के वर्तमान आधिकारिक प्रवक्ता है। वो अब तक के सबसे युवा आधिकारिक प्रवक्ता है। वो पहले MEA के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त होने से पहले फ्रैंकफर्ट जर्मनी में भारत के महावाणिज्य दूत भी थे। रूट ने भारत को उसके ही घर में हराने के दिए टिप्स। इंग्लैंड की टीम का श्रीलंकाई दौरे के बाद अब भारत के साथ मुकाबला होने वाला है। श्रीलंका को उसकी ही धरती पर दो टेस्ट मैच की सीरीज में 2-0 से धूल चटाने के बाद इस सीरीज के साथ टीम का मनोबल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अब भारत के साथ होने वाले मैच से पहले ही इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत रूट ने कहा है कि भले ही उन्होंने श्रीलंका में 2-0 से सीरीज जीत ली हो, लेकिन उन्हें भारत को उसकी सरजमी पर हराने के लिए अपने खेल में शिखर पर होना होगा। ने भारत को अपनी सरजमी पर दुनिया की बेस्ट टीम करार दिया है। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए काफी उत्साहित है। हमें वहां जीत हासिल करने के लिए अपने खेल के शिखर पर होना होगा, क्योंकि भारत को चुनौती देने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित करने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।